जीरो ओवर श्री कौशलेंद्र कुमार। आपने सुन पहर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने संसदीय क्षेत्र नालंदा कोरोना काल में जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी उसका किराया अधिक वसूला जा रहा था, और आज भी कोरोना समाप्त हो गया है सभापति महोदय, और महंगाई की भी मार है, गरीब लोग लगातार मांग करते रहे हैं सुबह किराया वापस लिया जाए जो अतिरिक्त बढ़ाया गया है स्पेशल ट्रेन का। उसी से संबंधित नालंदा रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी का ठहराव अनिवार्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ओपन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी किया गया है सभापति महोदय, और उस विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थी और प्रोफेसर सभी का डिमांड भी रहा है कि यहाँ पर इंटरसिटी का ठहराव नालंदा में किया जाए। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में रहुई पहले स्टेशन था, अभी उसको होल्ट बना दिया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डेंटल कॉलेज का भी उद्घाटन किया गया है। काफी मरीज वहाँ इंटरसिटी से आते जाते हैं, वहाँ इंटरसिटी का ठहराव इसलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ पहले स्टेशन था, अब होल्ट हो गया है। तो मेरा मांग है कि रहुई रोड स्टेशन को दर्जा दिया जाए और वहाँ पर इंटरसिटी का ठहराव किया जाए। सभापति महोदय, आज देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में पहले छूट दिया जाता था, लेकिन कोरोना काल से वो छूट को समाप्त कर दिया गया है। कोरोना समाप्त हो गया है लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को इसकी सुविधा नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वरिष्ठ नागरिकों को जो सुविधा मिलती थी ट्रेन में उसको मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र मुंबई उपनगर, यहाँ आने वाले बोरली के मागाटना बस डिपो से लेके जोगेश्वरी विक्रोड़ी लिंक रोड को जोड़ने वाला रास्ता करीब करीब पूरा हुआ है। इस रास्ते में केवल 38 मीटर का छोटा सा भाग संजय गांधी नेशनल पार्क में गुजरने के कारण और इसे बनाने के लिए भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति न मिलने के कारण यह 38 मीटर रोड का काम पिछले 8 वर्षों से अधूरा हुआ है। ये मुंबई में ट्रैफिक जाम की इतनी तकलीफ रहती है, उसको ये पैरेलल रोड बनाया गया, और ये रोड पैरेलल जब भी होगा तो ट्रैफिक जाम 25% कम हो जाएगा, इतना ही रोड का महत्व है। महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री महोदय से विनती करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण रोड के काम के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तुरंत जारी किया जाए, जिसके यह रोड का काम पूरा हो सके और मुंबई को ट्रैफिक को छुटकारा मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। रवनीत सिंह जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। सर, मैं आज खास तौर पे मैं आप तो बोल ही रहा, पर मेरे नाल सारे किसान यूनियन ने साडे जां किसान ने उन्हां दी आवाज मैं थोड़े मूहरे रख रहा। सर, थोनू पता होना मैं पहला 17 सितंबर 2020 भी यह गल इसे पार्लीमेंट च रखी सी भी जे तुसी किसानां दा गला घुटोगे तो किसान सड़कां ते आउणगे, मजदूर सड़कां ते आउणगे। ते ओह तुसी याद आ, एक साल धरना लग्या ते जो तुसी बिल लैके आए सी ओह थोनू सरकार नू वापस लैणा पिया। अज बेशक कृषि मंत्री बदल गए ने, ते सर सानू किसान यूनियन ने आ मेमोरेंडम दिते ने भी जे तुसी अपनी गल पार्लीमेंट च नहीं रखोगे तो असी थोड़ा पार्लीमेंट इलैक्शन जां उदू बाद पिंडां च विरोध करांगे। मैं उन्हां दे वल्लों जो सानू मेमोरेंडम दिता गया, सब तो पहला सर स्वामीनाथन कमिशन दीआं सिफारशां दे आधार ते
C2+50% फॉर्मूला सर दे अनुसार सारिया फसलों लिए घट्टो घट समर्थन मुल की खरीद गरंटी की जाए। दूजा सर अपनी मर्जी ने उरे कमेटी बना ली, किसान तो उहदे विच कदे आए नहीं, जिन्नी मर्जी मीटिंगा उरे इन्होंने कहा भी 11-12 मीटिंगा असीं कर लिया पर कोई किसान जथेबंदी उस मीटिंग च नहीं आई। इस करके सर वह कमेटी दोबारा जे SKM जिवें कह रही है उवें बनाई जाए। दूजा पॉइंट सर जिन्ना खेती सर अज जिन्ना घाटा पै गया अज इस 80% सर खेती किसान मजदूर अज घाटे च ने सर, उन्हों का करजा कोई भी करजा जिहड़ा उन्हों का माफ किया जाए। तीजा पॉइंट सर जिन्ना भी सर बिजली सोध बिल विच उरे मन्निया गया सी भी असीं नहीं लैके आवांगे पर पिछले पासों सारे वो बिजली सोध बिल का जिहड़ा वो लिआंदा जा रहा। उदों बाद सर जिन्ने भी साडे सारे दरमियाने छोटे चाहे साडियां मावां भैणां ने चाहे जिन्ने मर्द औरतां किसान मजदूर सारिआं नूं सर बाकी पेनशन लगती है, किसान बेचारा बजुर्ग होके कित्थे जावे, 10,000 घट्टो घट सर उहनूं पेनशन लगनी चाहीदी आ। उदों बाद सर जिन्ने भी उस वेले केस होए परचे दर्ज होए सर अज तक वो उसे तरह FIR दर्ज है उन्हां ते, वो केस वापस नहीं लए, वो केस वापस लो। नहीं सर किसान दोबारा बड़ी जल्दी प्रोग्राम बना रहे फिर आपां कहांगे भी दिल्ली सर सुनो एडू वड्डी गल सर बात ही कोई नहीं इससे बड़ी, और सर किसान दोबारा यहां आ जाएंगे फिर आप कहोगे भी यहां दिल्ली बंद हो गया। और सर उनके लिए जो BKU लखोवाल है, BKU डकौंदा है, सबसे बड़ा हमारा BKU सिद्धूपुर है सर, ऐसे ही हमारा जो कृति किसान यूनियन है, सारी यूनियन सर 2013 में यही लैंड एक्विजिशन बिल पास किया था, उसे बदल दिया गया और स्टेटों में उसे लागू करने के लिए बोला गया। 2013 वाला एक्विजिशन बिल द्वारा लिया जाए, 700 लोग सर मरे उस टाइम, 700 लोग शहीद हुए सर, उन्होंने परिवार 10 लाख रुपया ते उन्हां दी नौकरियां सेंटर गवर्नमेंट देवे सर। उन्हां दे दूजी गल सर खेती का काम पोल्यूशन में कैसे आ जाएगा सर, इंडस्ट्री तो हो पोल्यूशन में, जितनी खेती के धंधे हैं जितने खेती उसे पोल्यूशन से बाहर निकालने चाहिए। और सर दिल्ली में उन किसानों का बड़ा मेमोरियल उनका यहाँ बनना चाहिए जो किसान यहाँ पे शहीद हुए हैं सर, नहीं दोबारा वो सड़कों पे आएंगे और सरकार के लिए मुश्किल होगी। थैंक यू सर। और थैंक यू, चलिए रिलीफ टू फार्मर्स था आपका 0 आवर, आपने एजिटेशन तक पहुंच गए। रिलीफ टू फार्मर्स वाज सपोज टू बी द डिमांड। मैं निवेदन करूंगा मनीष तिवारी जी। मान्योग प्रधान जी, हिंदुस्तान दी दे संविधान दी कंकरेंट लिस्ट दे विच धारा 25 एजुकेशन दे उपर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती हैगी और राज सरकार भी बना सकती हैगी है। पंजाब दे विच काफी चिरे तो एक मुद्दा बहुत गरमाया होया है, वो 1158 जेड़े असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती किए गए थे जदों कांग्रेस की सरकार सीगी अक्तूबर तो लेके दसंबर 2021 तक, उन्हां चो कई प्रोफेसर तो अपनी नौकरी ज्वाइन कर गए और कईयां दी जेड़ी नियुक्ति सी भर्ती सीगी वो हाई कोर्ट ने रद्द करती, उहदी अपील पेंडिंग हैगी। हुण मनभागी गल ये हुई है मान्योग प्रधान जी, उन्हां चो एक जेड़े असिस्टेंट प्रोफेसर सीगे बीबी बलविंदर कौर जी, वो मेरे हल्के तो सन और उन्होंने अक्तूबर 21, 2023 नूं खुदकुशी कर दी और उहदे करके जिन्हें पंजाब का एकेडमिक वर्ग हैगा उन्हां दे विच एक बहुत बड़ा रोष है। मैं थोड़े राही सरकार नूं यह बेनती करना चाहुंदा कि या तो राज्यपाल राही या जिहड़े केंद्र दे सिक्ख्या मंत्री ने वो पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री नाल गल करके इहदा कोई ना कोई हल लभण दी कोशिश करन, क्योंकि ये जिहड़े नौजवान मुंडे कुड़ियां ने बहुत ही पढ़े लिखे ने, नफीस ने और बहुत मेहनत नाल अजकल तां नौकरी मिलती नहीं हैगी और उन्हां नूं जिहड़ी नौकरी मिली हैगी है वो किसे तरह उन्हां नूं नौकरी ज्वाइन करन दित्ती जावे, इहदे वास्ते
केंद्र सरकार का भी फर्ज बनता है जिवें मैं कहा कि एजुकेशन सिक्ख्या कंकरेंट लिस्ट दे विच हैगी कि उन्होंने कोई ना कोई जल्द तो जल्द सहूलत दी जाए। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी। श्रीमती रमा देवी जी। सभापति महोदय, आज बहुत ही आवश्यक हमारा विषय है, उस पर बोलने जा रही हूँ। मैं सदन का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाले उत्तर बिहार के मोतिहारी, शिवहर, मुजफ्फरपुर पथ की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में देश के सुदूर क्षेत्र तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से देश में अभूतपूर्व गति से राजमार्गों का विकास एवं निर्माण हो रहा है। ज्ञात हो कि मेरा शिवहर संसदीय क्षेत्र भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित है। एक पिछड़ा हुआ इलाका है जहां सड़क एवं परिवहन का अभाव है। मेरे क्षेत्र में गुजरने वाली मोतिहारी, शिवहर, मुजफ्फरपुर पथ का अधिकांश भाग स्टेट हाईवे में आता है तथा इसकी कुल लंबाई लगभग 110 किलोमीटर है। यदि इसको एनएच की श्रेणी में शामिल करते हुए इसका रूट मोतिहारी, ढाका, बेलवा, शिवहर, मीनापुर, झपहा किया जाता है तो इससे पूर्वी चंपारण, शिवहर एवं मुजफ्फरपुर जिला परस्पर एक ही रूट में जुड़ जाएंगे तथा इनसे जुड़े पिछड़े इलाकों का विकास संभव हो सकेगा। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि जनता के व्यापक हित में बिहार के मोतिहारी, ढाका, बेलवा, शिवहर, मीनापुर, झपहा पथ को नए एनएच के रूप में शामिल करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र बहरिया जी। सुभाष चंद्र बहरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा के एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरे भीलवाड़ा में काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और वहाँ पे ईएसआईसी जो है लागू है और लगभग 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी वहाँ मासिक अंशदान करते हैं और उनके परिवार के सभी सदस्य मिलाकर करीबन 5 लाख लाभार्थी जो ईएसआईसी से है स्वास्थ्य के लिए वो जरूरत रहती है उनको। परंतु सबसे बड़ा दुख है कि वहाँ जो ईएसआईसी का वो राज्य सरकार द्वारा चालू है और राज्य सरकार द्वारा ही चलाया जाता है और उसमें काफी रिक्त है पद। डॉक्टरों के, स्पेशलिस्टों के बहुत बड़ा भवन है, हॉस्पिटल का बहुत बेड है, लेकिन बराबर नहीं चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इसको आदर्श हॉस्पिटल घोषित करके ईएसआईसी खुद के अंडर में लेवे और खुद संचालित करे। यह बहुत आवश्यक है ताकि वहाँ पे जो काम करने वाले श्रमिक है उनको और उनके परिवार को पूरा लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वीके श्रीकंदन जी। हेलो, रेस्पेक्टेड सर, द फार्मर्स एस्पेशली फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पालक्काड विच इज द राइस बोल ऑफ केरला आर फेसिंग इमेंस डिफिकल्टीज ऑन अकाउंट ऑफ लेस रिटर्न फॉर देयर प्रोड्यूस एज वेल एज द बैकलॉग ऑफ अमाउंट फॉर द पार्टी दे गिवन टू गवर्नमेंट। The government of Kerala has failed to disburse paddy procurement price to many thousands of farmers, citing that the general share of procurement price has not yet been released to the state government. The farmers were not able to sow for the second season and many of them at the verge of committing suicide as the farmers were not able to repay the bank loans and other debits due to non disbursement of money by the government. Therefore, I urge upon the government to look into it and address this issue very seriously. Thank you, sir. Thank you. Vinayak Rao ji.
धन्यवाद सभापति महोदय। मैं शून्यकाल में देश में बढ़ती हुई जो गुनहगारी है और जिसका रिपोर्ट एनसीआरबी के माध्यम से सामने आया है, उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विनायक जी, आपका जो सब्जेक्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ ए स्टैच्यू ऑफ छत्रपति, मैंने उसके बाद विषय बदलने के लिए विनंती की है और मेरे सामने जो हाँ मैं दिया है, ये देखिए सर। अच्छा देखिए, यहाँ से दिखाई नहीं देता, बस नहीं दिया 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 मैंने, ठीक है। 11 बजे दिया है सर। धन्यवाद सभापति महोदय। इस अवसर पर मैं देश में बढ़ती हुई जो गुनहगारी है, इस महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती दर को इस सदन के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं। और जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की नवीनतम भारत में अपराध रिपोर्ट 2022 जो पेश हुआ है, उसके माध्यम से जिस तरह से अपराधों में बाढ़ हुई है, उसमें दुर्भाग्य से सदभाग्य से पिछले वर्ष से इस वर्ष में ओवरऑल गुनहगारी में कमी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से महिला और बच्चों में जो जिस तरह से गुनहगारी बढ़ गई है, वह भारी चिंता की बात हो चुकी है। सभापति महोदय, रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4,28,278 मामले सामने आए, क्योंकि पिछले वर्ष में उसे बहुत कम थे और इसमें 4% बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ऐसी है, महिलाओं का अपहरण, शील भंग करने के इरादे में हमला और बलात्कार, इस घटना ज्यादा तौर पे हो चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा स्टेट जो आगे है उस स्टेट का नाम है। अधिकतर बलात्कार के मामले में दर्ज करने वाले शीर्ष 5 राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा, ये 5 राज्यों में महिला और बालिकाओं के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो चुके हैं। सभापति महोदय, 2021 की तुलना में 2022 में करीबन 9% अत्याचारों में वृद्धि हो चुकी है और इनमें अधिकांश मामले अपहरण 45% से संबंधित ज्यादा है। यौन अपराध में कम से कम 39% हो चुके हैं और इसी तरह से अगर देखें तो पूरे देश में महिला और यौन का यानी पीड़ित बच्चे लोग बच्चियों, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बलात्कार करने की दुर्घटना भारी संख्या से हो रही है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी के विनती करना चाहता हूं कि महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों की यह बढ़ती दर न केवल हमारी आबादी के लिए बड़े हिस्से की आकांक्षाओं और कल्याण की संभावनाओं को सीमित करती है, इसीलिए मैं गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित राज्य सरकार के साथ मिलकर एक विशेष टास्क फोर्स का निर्माण करें और संबंधित जो पुलिस यंत्रणा है उसे ज्यादा अलर्ट करें, ऐसी मांग करता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद संतोष कुमार। आपने शून्यकाल में मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं पूर्णिया जिला जो भारत के प्राचीनतम जिले में शामिल है, लेकिन ये साथ ही उत्तर बिहार जो व्यापारिक मंडी है, व्यापारिक केंद्र है, लेकिन रेल कनेक्टिविटी के मामले में यह काफी पीछे है और लगातार इस इलाके की उपेक्षा हो रही है। मैं पूर्णिया के रेल यात्रियों के आवागमन हेतु सरकार से मांग करता हूं कि 13,205 और 6 जनहित एक्सप्रेस और 14,617 और 18 जनसेवा एक्सप्रेस जो पूर्णिया कोर्ट तक विस्तारित करने का प्रपोजल रेलवे बोर्ड में लंबित है, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसको स्वीकृति दे और रेल परिचालन यहां तक जो दोनों गाड़ियां हैं वो पूर्णिया कोर्ट तक इसका परिचालन हो सके। साथ ही मैं पूर्णिया कोर्ट और जानकी नगर रेलवे स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस और हाटे बाजारे ठहराव की मांग करता हूं। इसको लेकर
कई बार जन आंदोलन उस इलाके में हो चुका है, इसलिए रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि ये ट्रेनों का ठहराव हो। साथ ही जो पूर्णिया कोट हमारा रेलवे स्टेशन है, पूर्णिया कोट जंक्शन पे वॉशिंग पीट का निर्माण हो, ये प्रपोजल काफी समय से पड़ा हुआ है लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो पिछड़ा इलाका है, एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसको आगे लाना है, लेकिन रेल के क्षेत्र में हम लोग दर्जनों बार लिखित रूप से और मौखिक रूप से रेल मंत्री जी से भी आग्रह किए हैं, सदन के माध्यम से भी आग्रह किए हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशनल इलाका है उस पे रेल के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं है। खास करके जो उत्तर बिहार का इलाका है, पूर्णिया का इलाका है, अररिया का इलाका है, किशनगंज का इलाका है, ये रेल के मामले में महरूम है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस इलाके पे रेल के मानचित्र पे इसको आगे लाया जाए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी। थैंक यू सर। सर, ओडिशा फार्मर्स हैव बीन हिट बाय नॉन पेमेंट ऑफ देयर क्लेम्स अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इवन आफ्टर सेवरल प्लीज फ्रॉम देम, द इंश्योरेंस कंपनीज आर येट टू सेटल ड्यूज ऑफ द फार्मर्स व्हिच इज मोर देन 600 करोड़। द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड, येट द क्लेम्स हैव नॉट बीन सेटल्ड, व्हिच हैज लेड टू फार्मर्स अनरेस्ट इन मेनी प्लेसेस एंड लाइकली टू अफेक्ट द एनरोलमेंट प्रोसेस फॉर नेक्स्ट सीजन। ओडिशा गवर्नमेंट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड हैज बीन कंटिन्यूइंग विद द प्रोग्राम सिंस खरीफ 2016। द इंश्योरेंस कंपनीज हैव मेड ए हेफ्टी प्रॉफिट ऑफ मोर देन 40,000 करोड़ इन द कंट्री सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम स्कीम इन 2015 एंड 16। बट they are not settling the dues of the farmers. Through you, sir, I would request the government to look into the matter and issue the suitable directive by the Department of Agriculture and Farmer Welfare, the Government of India, to the insurance companies for settlement of the claims at the earliest for safeguarding the interest of the farmers. Thank you, sir. Dhanyavaad. Shri Suresh. Thank you, Chairman, sir. Sir, in Kerala, the regular train service, including Venad Express, Parashuram Express, Malabar Express, Shabari Express, are running packed to the fullest, and the railway authorities are denying giving the state extra train service, extension of trains, extra bogies and new bogies, and more stoppages, various trains. And the worst part is that trains that were cancelled due to the lockdown are yet to be restored, even after years past the pandemic. Sir, I would request more coaches are provided in passenger and memu and express trains in Kerala. All railway divisions operating in the state. Further, the Nilambur-Kottayam express train to be extended to Kollam and Punalur, so that passengers who are unable to avail any train after Venad and Palarvi Express departs, would be able to avail train service and the train running Kollam-Shengottai section. Sir, the Kollam-Shengottai section running trains are having only 14 bogies. That is, the rush of the train, these 14 bogies not sufficient. Therefore, I demand before the railway, sir, instead of 14, 20 bogies should be provided Kollam-Shengottai line, sir. Sir, I would like to point out the Vande Bharat trains have begun. Almost all other trains are being held at various stops for giving right of way to the express train to pass on priority. This situation is causing daily passengers, who are mostly employees and traders, students, lose precious time, and the railway must find a way to address this issue at the earliest. I would like to ask state government, state that the passengers trains that are lifeline or regular commuting are converted into express trains, and this scenario has also impacted the regular commuters. I request that more passengers train to be provided Kerala state, and more coaches in current passengers trains to be allotted as well. The festival season already started, and also the vacation season also there. The
train passengers number is increasing day by day, but the sufficient train service not available in Kerala. That's why I would like to request through you, sir, to government to address this important issue immediately. Dhanyabad. Thank you, sir. Dhanyabad. Pratapan ji. Honorable Chairman, sir, the widening project of National Highway 66 Kerala is progressing. It is one of the largest national highway projects in Kerala state. But the people living in both sides of National Highway have many concerns as they feel divided and separated in their villages and towns by this NH66. People have been requesting for the construction of small vehicle underpass in various places to ensure connectivity and access between two sides. In my constituency, Trichur, small vehicle underpass should be constructed in Mamnalangund Junction, in Punnayur and Punnayurkulam Panchayats, in Chetuva of Angandur Panchayats, in Pulambuda and Puliyamdurut of Thalikulam Panchayats, in Natiga Center of Natiga Panchayat, and in Edamuttam Center of Valappad Panchayat. I had conveyed these demands of people of the Minister of Road and National Highways, Sri Nitin Gadkariji, and NHAI officials. But there is no proper step taken by the Ministry of solve the issue and the concerns of people. So they are agitating. I once again request to the Honorable Minister of Road, Transport and National Highways to consider this and approve this demand of people. This is an important and a serious issue in my constituency, Trichur, Kerala. Thank you, sir. Shri Dileshwar Kamath. Thank you, sir. आपने शून्यकाल के अवसर पर महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का आदेश दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, सुपौल संसदीय क्षेत्र के पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत प्रतापगंज से भीमनगर नई रेल लाइन के लिए टो इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण आरईटी सर्वे के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति मिली थी और कार्य प्रगति पर था। सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। महोदय, 1934 के भूकंप में उक्त खंड पर रेल लाइन ध्वस्त हो गया था, किंतु अभी तक रेस्टोरेशन नहीं हुआ है तथा रेल का परिचालन प्रारंभ नहीं हुआ है। मैं बराबर यह मांग सरकार से करते आ रहा हूं। मैं सदन के माध्यम से रेल मंत्रालय से आग्रह है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उक्त रेल खंड को पुनः चालू कर रेल यातायात का परिचालन शीघ्र किया जाए, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के जनता को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। रमेश बिदुरी जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे एक बहुत ही सामाजिक व्यवस्था के मामले को लेकर एक विषय पर बोलने का मौका दिया। यूं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उनकी दूरदृष्टि से समाज के सभी जातियों के वर्गों के, चाहे वो महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, सभी जातियों की तरफ उनके उत्थान के कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन रेलवे के अंदर एक जो वरिष्ठ नागरिक की सीट्स होती है उनके आवागमन के लिए वो आरक्षित हैं, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड हैं। आज के इस भागदौड़ में परिवार छोटे हैं और वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन रेलवे में सफर करते हैं, तो कुछ लोगों को उस आरक्षित सीटें होने के कारण लिमिटेड है, ज्यादा लोग जाना चाहते हैं, जब जाते हैं तो उनको ऊपर नीचे की बर्थ में उनकी सीट मिलती है, जिससे उनको बड़ी गंभीर समस्या को फेस करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा है कि परिवार भी छोटे हो गए हैं, लोग भागदौड़ की जीवन में समय भी नहीं दे पाते हैं कि अपने पेरेंट्स को, बुजुर्ग को ट्रेन में छोड़ के चले गए और उस अगले स्टेशन पे लेने आ जाएगा, तो रास्ते में ट्रेन के लिए मेरा माननीय मंत्री जी रेल मंत्रालय से आपके माध्यम से निवेदन है कि सीनियर सिटीजन की जो बर्थ है उसको कंपलसरी ग्राउंड लेवल पर, निजी लेवल पर करने का माननीय मंत्री जी व्यवस्था करें,
जिससे ऐसे सीनियर सिटीजन को आने वाले समय में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोअर बर्थ, नीचे नहीं, लोअर बर्थ। शिरोमणि राम, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री जी, राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान हमारे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के जनपद बलरामपुर की तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह जनपद बलरामपुर अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, जो कि चंदनपुर पचपड़वा भारत नेपाल सीमा से पचपड़वा, गणेशपुर, जैतापुर, उतरौला, मनकापुर, नवाबगंज, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ व संगम नगरी प्रयागराज तक मार्ग को राष्ट्रीय राज्य मार्ग NH में सम्मिलित स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य कराया जाए, जिससे आज़ादी के 75 वर्षों के बाद अनुसूचित जनजाति के लिए एवं देश की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल, जो चंदनपुर भारत नेपाल सीमा पर आने जाने के लिए योंग धर्मनगरी, रामनगरी अयोध्या, योंग संगम नगरी प्रयागराज को जाने के लिए यह एकमात्र सड़क है। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष मांग करता हूं, इस मार्ग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग NH के अंतर्गत निर्माण कार्य कराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राघवन जी। चेयरमैन सर, आई वुड लाइक टू राइज बिफोर यू टू ब्रिंग अबाउट सम बर्निंग इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय रेलवेज इन नॉर्थ पार्ट ऑफ केरला। सर, शोरनूर मैंगलोर सेगमेंट ऑफ पालक्काड डिवीजन ऑफ सदर्न रेलवेज फेसेस ब्रूटल डिस्पैरिटी इन कंपैरिजन विद द रेस्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ सदर्न रेलवेज। सर, बैंगलोर इज द नियरेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी टू नॉर्थ केरला, nearer than that of its own state capital, Trivandrum. Sir, however, when South Kerala under Trivandrum division has 11 trains to Bangalore, North Kerala under Palakkad division has just 2 trains to Bangalore. Sir, train number 16511 and 16512, which commutes between Bangalore and Kannur via Mangalore, is kept idle at Kannur for 6 hours, sir. If it is extended to Kozhikode as demanded many times by utilizing the idle time, so we will get one train to Bangalore with elevation of rush in evening trains to the north. Sir, besides introduction of a new train Vande Bharat in between Bangalore and Calicut via Palakkad is a must for this part of the country, as waiting list in all classes goes for weeks. Sir, secondly, urgent measures be taken to introduce more memos to North Kerala to reduce brutal rush in office school going hours. Sir, here also, South Kerala has 13 memos, sir, while North Kerala has just one. So I would like to request Honorable Minister, please consider these suggestions and sort out these issues. Thank you, sir. Thank you. Sri Pradyut Bardoloi. But, sir, I would like to draw the attention of the Government of India of the alarming rise of the cancer patients in our country. Sir, as per the figure of National Cancer Registry Program, in 2018, the figure was 13,25,232. The figure has risen in 2022 to 14,61,427. Sir, but this figure is not exhaustive. And we also know the incidence of cancer is not uniform in all over the country. In certain parts of the country, the incidence of cancer is more than other parts of the country. Sir, unfortunately, the northeastern region has become the cancer capital of India. Sir, you'd be surprised to know that in 2018, the Cancer Registry of India warned of the Northeast becoming India's cancer capital of India.
By 2023, the situation worsened, with Manipur experiencing a 6.48% cancer diagnosis, far above national average of 2.45%. According to the National Cancer Registry Program, though the varying degrees of escalation, the incidence of cancer is prevalent all over the Northeast. And not only the cancer patients, sir, the sufferings of the common people as we have it. So I would like to draw your attention and would also like to request the Government of India to take up very specific programs. It is high time for the central government to acknowledge the gravity of the situation and take concrete steps to address this emerging crisis. Suggestions to the government are given, including the Cancer Society of India. These suggestions should be very, very sincerely implemented, sir. Number one, HPV vaccination to be included in the national immunization program for both boys and girls in the age group of 9 to 14 and should be given at free of cost. Number two, cancer to be made notifiable disease so that we have more accurate data for research and policy making, etc. Number three, sir, the central government should also support the education and placement of more medical specialists in the northeastern states with an emphasis on early cancer identification and basic care. Number, sir, make policy for tobacco-free India by 2033, more strict rules for banning tobacco products near schools inaccessible to school children. Dedicated 24/7 national helpline for all cancer-related queries. Research for the Indian ethnicity to provide affordable care. Control of phenomenal prices of cancer drugs. And, sir, as Northeast is becoming the cancer capital of India, the Government of India, the Health Ministry should pay special emphasis to bring up the cancer treatment to the affordable level to all over the Northeastern states. Thank you, sir. Dhanyavad. Rajan Vichare. Adhyaksh Mahoday, Dhanyavad. Adhyaksh Mahoday, Bharat mein 16 April 1853 mein Bori Bandar se Thane tak pahli train chalai gayi thi. Thane railway station ek aisa aitihasik railway station ke roop mein mana jata hai. इस स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए 2014 से जनता के प्रतिनिधि के तौर पर कई बार संसद में आवाज उठाते आ रहा हूं, जिसके बाद इस योजना में अड़चन लाने वाले जर्जर इमारत को रेलवे प्रशासन ने तोड़ दिया। यहां स्थित स्टेशन मास्टर के कार्यालय अन्य कार्यालय स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन ठाणे स्टेशन पर यात्रियों का पर्याप्त प्लेटफॉर्म और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। इस संज्ञान में लेते हुए रेलवे ने लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के साथ दादर, ठाणे, कल्याण और ठाकुरली इन 5 स्टेशनों के विकास के लिए कुल 3600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया गया है, जिसमें श्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के लिए 2500 करोड़ और ठाणे रेलवे स्टेशन के लिए 983 करोड़ रुपए की स्वीकृत का समावेश है। अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र में यह ऐतिहासिक ऐसा ये ठाणे रेलवे स्टेशन की पहल के लिए मैं केंद्र सरकार का आभारी हूँ, लेकिन मेरे साथ रेलवे अधिकारियों के बैठक में रेल अधिकारियों ने कहा था कि ठाणे रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित करने जनवरी 2024 में प्रत्यक्ष रूप से कामों की शुरुआत की जाएगी, लेकिन अब तक इस संबंध में गति मिलना नजर नहीं आ रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से रेलवे मंत्री को से अनुरोध करता हूँ कि इस ठाणे रेलवे स्टेशन में हर दिन 7.5 से 8 लाख यात्रियों की भीड़ रहती है और इस यात्रियों के बढ़ते भार के कारण अपर्याप्त पैदल यात्री पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई और चौड़ाई अन्य सुविधा उपलब्ध करने के लिए जल्द से जल्द ठाणे रेलवे स्टेशन की भूमि पर एक मल्टी मॉडल हब स्टेशन परिवर्तित करके रेलवे की जगह पर पीपीपी पद्धति द्वारा बनाने वाले 3 कमर्शियल टावरों में कॉलोनी, मकान और मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा
यथाशीघ्र उपलब्ध कराए जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। राजीव रंजन सिंह अल्कोल। महोदय, कोरोना काल के दौरान पूरे देश में रेल सेवा बंद कर दी गई, लेकिन कोरोना काल के बाद जब रेल सेवा बहाल हुई तो रेल सेवा बहाल होने के बाद कोरोना काल के पहले जितने ठहराव महत्वपूर्ण स्टेशनों पर महत्वपूर्ण ट्रेनों का था उन सभी को समाप्त कर दिया गया। कई छोटे स्टेशन हॉल्ट जहां पैसेंजर गाड़ी रुकती थी, ईएमयू ट्रेन रुकती थी, उन सब को भी बंद कर दिया गया। और जो मेरी जानकारी है लगभग 10,000 ठहराव ट्रेनों का एक आदेश से रद्द कर दिया गया जो उचित नहीं था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, बड़हिया, बाढ़, अथमल गोला, इन सारे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जो महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव थे उसको बंद कर दिया गया। कई छोटे स्टेशन बंसीपुर, कुंदर हॉल्ट, इसमें ईएमयू ट्रेन पैसेंजर ट्रेनें रुकती थी उसको भी बंद कर दिया गया। इसके विरोध में वहां स्थानीय स्तर पर जन आंदोलन हो रहा है, लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं, रेलवे लाइन पर धरना दे रहे हैं। 3-3 दिन तक मेन लाइन की पूरी रेल सेवा ठप रही, उसका रूट डाइवर्ट करना पड़ा। ये सारी परिस्थिति जो है आम लोगों को परेशानी का कारण बन रहा है। जो सुदूर हॉल्ट में या पैसेंजर ट्रेनों से आते हैं वो गरीब लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, जिनके आवागमन का कोई और दूसरा साधन नहीं है। तो इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि बड़हिया में, बाढ़ में, अथमल गोला में जो महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव कोरोना काल के पहले था, या जो छोटे स्टेशन बंसीपुर, कुंदर हॉल्ट में जो ईएमयू और पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव था उसको पुनः बहाल किया जाए ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके। एक दर्जन से ज्यादा पत्र मैंने रेल मंत्रालय को और रेल मंत्री जी को लिखा है, आज तक एक भी पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए महोदय हम आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से आग्रह करते हैं कि बड़हिया, बाढ़ और अथमल गोला के सभी ट्रेनों का और जो छोटे हॉल्ट और पैसेंजर ट्रेनों के ठहराव को पुनः बहाल किया जाए, यह मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अधीर रंजन चौधरी। सर, आई वुड लाइक टू फ्लैग द अटेंशन ऑफ द हाउस दैट वी ऑल हैव विटनेस्ड विद बेटेड ब्रेथ द रेस्क्यू ऑपरेशन on NH-134 in the Silkiara Bend Barket tunnel. Sir, 41 workers were trapped for 17 days in the tunnel. So the horrible episode still has been haunting us. But sir, what I would like to highlight before you, that it is not an isolated incident. I would like to refer that recent incidents of collapse in Himalayas also taken place. Number one, Subansiri Lower Hydroelectric Power Project. Two, Tista River Flash Flood. Three, Kiratpur Nerchok Tunnel Collapse in Himachal Pradesh 2015. Four, Tehri Hydro Project Tunnel Collapse 2004. Sir, the reasons that have been cited by the experts are also, I feel, to be included over here. First, fractured or fragile rock. Two, water seepage. Three, landslide prone Himalayan rock system. Four, lack of geological and geotechnical studies. Five, improper study of CR zone. Six, failure to design on escape tunnel. Sir, in the last moment, sir, rat hole miners, they have been engaged to rescue those ill-fated laborers who were trapped. Sir, I feel that this kind of situation which took place in the Uttarkashi could have been averted, provided the government took a little patience to those geologists who have earlier red flagged that this kind of tunnel could be disastrous. But sir, also the government still not responding to such incident. Even there is an ambiguity
There is a contradiction between the statement of the media and the statement made by our concerned minister. There was no escape route. It was stated by the expert, but minister stating that yes, there was an escape route. I want to clarify the issue from the government side. Thank you. Sumalata Ambarish ji. 1 minute. Thank you, sir. Sir, according to the global climate report published by the UN leader also. This year, 2023 has been the hottest ever year on record. And the impact of this has been felt in all corners of the world. Sir, my state of Karnataka has received a very weak monsoon and